आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। मिर्जापुर जनपद के अरहोरा क्षेत्र के डीहिर गांव में स्थित मां भंडारी देवी मंदिर के नीचे सरकारी जमीन पर अवैध दुकान पर योगी का चला बुलडोजर। मां भंडारी देवी के मंदिर पर सावन के महीने में लगने वाले मेले में दुकान लगाने को लेकर आए दिन होती है मारपीट। आज जो उसी को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, पुलिस ने मारपीट करने वाले के खिलाफ किया कार्यवाही। इसी संबंध में उप जिलाधिकारी चुनार नवनीत जेहरा के निर्देश पर भंडारी देवी मंदिर के नीचे सीढ़ी के पास लगाए गए अवैध स्थायी सभी दुकान को हटवाया गया। मौके पर नायब तहसीलदार चुनार अरुण कुमार ने बताया कि इस भूमि पर अवैध रूप से स्थायी दुकान बनवाकर कब्जा किया गया, जिसके कारण आए दिन सावन के मेले में किसी भी विवाद को लेकर झगड़ा व मारपीट होती रहती है। वहीं क्षेत्र के लेखपाल कानून गो की मौजूदगी में अवैध हथकमर को जेसीबी द्वारा हटवाया गया। पुलिस पर सीओ मड़िहान सहित कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही है। आशीष पांडे की खास रिपोर्ट, मिर्जापुर। सर, हमारा 20 साल से दुकान लगता है वहाँ पर, कहाँ पे? भंडारी देवी के नीचे। और ये जय सिंह यादव, उदय यादव, ललन यादव, राजेश यादव और घनश्याम यादव, रोहित यादव, ये सब हमेशा धमकी देते हैं मारने के लिए। कल हमारे भाई को मारे जबरदस्ती, चैन छीन लिए, 4000 रुपया छीन लिए, मोबाइल ले लिए और हम लोग थाने गए। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। और आज सुबह हमारी भाभी और हमारी दीदी जा रही थी, रास्ते में ये राजेश यादव, जय सिंह यादव मारे। हमारा नाम सर सुनील कुमार मौर्य, अरोड़ा खाई जी का निवासी हूँ। और विवाद किस रहा था सर? पहले से नहीं, कल से। किस चीज़ को लेकर है विवाद सर? वो सब ऐसे ही आकर बस गाली दुकान को लेकर के है। दुकान के लेकर सर, कि वो सब लगे कि यहाँ तुम की दुकान लगाए, हमारा लगा है सर। वो अवैध में अपना मकान बनाकर दुकान लगाया है सर। हम तो एक महीना लगाते हैं जबरदस्ती सब। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।